नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली कैसानी सदर बाजार मार्केट में। और चलिए आपको यहाँ पे दिल्ली की क्या होली में क्या तैयारियां चल रही है जानते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, होली की तैयारियां करने आए हो आप? हाँ जी बिल्कुल। कैसी चल रही है? सही चल रही है, महंगाई हो गई है बहुत। अच्छा, जैसे कि आप लोग ग्रहणी है, घर की जो लेडीजें होती हैं वही घर चलाती हैं, रसोई से लेके 50 रुपए जो सिलेंडर के दाम बढ़े, इसमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत महंगाई हो गई, सिलेंडर में तो बहुत ज्यादा रेट गिरे, इसको तो कम होना चाहिए। तो घर पे इस बार गुजिया बनाओगे या नहीं? नहीं, मुश्किल है क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है, क्या बच्चों को खिलाएंगे और क्या त्योहार बनाएंगे। और जैसे कि भीड़ भाड़ तो बहुत दिख रही है यहाँ पे, पर महंगाई की जो मार पड़ रही है इस पे क्या कहोगे? यही कहेंगे कि भाई कम होना चाहिए दाम, क्योंकि देखो बंदे महंगाई इतनी है, बच्चों को क्या त्योहार में बच्चों को कपड़े दिलाए, क्या खिलाए और क्या बच्चों के लिए गिफ्ट करे, कुछ भी खरीद नहीं पा रहे क्योंकि हर चीज महंगी है। सरकार से क्या गुजारिश करोगे आप? यही कहेंगे कि हर चीज में दाम बहुत कम करे क्योंकि गरीब इंसान मर रहा है। मतलब बढ़ाया जाए आपका कहने का दाम? कम करे, बढ़ाया नहीं जाए, कम करे। बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा, मर जाएगा, वैसे ही खा पी नहीं, खाने पीने के लिए तो मिल नहीं रहा। इस नाम है मेरा। पंडित भाई कैसे चल रही है यहाँ की तैयारियाँ? भाई यहाँ का काम बहुत मंदा चल रहा है इस टाइम, पर किया है, बाबा का नाम लेके काम कर रहे हैं। और जैसे कि पिछली होली से इस होली पे क्या फर्क पड़ रहा है? पिछली होली हमारी बहुत अच्छी थी, इस होली बहुत खराब गई है थोड़ी सी। महंगाई पे क्या कहोगे? महंगाई, बस महंगाई पे क्या कहना चाहोगे? अब महंगाई पे भैया क्या कहें, महंगाई तो हो रही है, मोदी साहब हमारे ऐसे कहे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रहे हैं। पर होली की टी शर्ट, जैसे की ये लोग श्याम बाबा की टी शर्ट है होली के, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ होली की तैयारियां चल रही है इस मार्केट में। मैं आपको मार्केट का नजारा दिखाता हूँ कि काफी भीड़ भाड़ में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे होली का जैसे कि गुलाल, रंग, पिचकारी वगैरह बड़े ही सारे होली की चीजें हैं। गुब्बारे वगैरह बाजार में जो मेन मार्केट है वहाँ पर अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है। और फरमान फरमान जी, होली की तैयारियां कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भाई। महंगाई पे क्या कहोगे? महंगाई तो है ही, बस सही है, वैसे मनाने वाले मना रहे हैं होली। आपकी होली कैसी मनेगी? हमारी बढ़िया। आपका क्या कारोबार है यहाँ पे? यहाँ पे हम यही बेचते हैं कलर। देखा दोस्तों कि जैसे कि ये लोग कलर का इनका कारोबार है, कैसा चल रहा है पिछली होली के मुताबिक इस बार कैसा है? बहुत डाउन है पिछली होली से, अब की बार बहुत डाउन है। जब लॉकडाउन था तो अब बैंक तो पटरी नहीं लग रही, ये लगी है आज, मोहलत मिली है 2 बजे तक लगाएंगे पटरी जी, बस पटरियाँ नहीं लग रही, परेशानी है बहुत। लोगों का कहना है कि यहाँ पे परेशानी भी कहना है कि ठीक है महंगाई, और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस महंगाई पे कई लोगों को गुजिया खाने को भी मिल सकती है और कुछ लोगों को नहीं मिल सकती। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, होली की तैयारियाँ कैसे चल रही है? होली की तैयारी ऐसा ही है, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है, सीजन पट गया इस बार, महंगाई तो बहुत है, पिचकारी के रेट पहले से ज्यादा डबल है, दाना बढ़ने की वजह से भी और मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से भी। तो आता है जब महंगाई बढ़ेगी तो त्योहार अपने आप कम होंगे, महंगाई बढ़ेगी उसका असर त्योहारों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। जब लोभा होगा पैसा ही नहीं होगा तो वो त्योहार कहाँ से मनाएंगे, जो मिडिल क्लास बंदा है। कुछ बात करते हैं, क्या नाम है आपका? कमल अरोड़ा। हाँ जी कमल अरोड़ा। कमल जी, इस अभी होली की कैसी तैयारियां चल रही है? होली की तैयारी बहुत चल रही है, दिक्कत आपको दिक्कत नहीं है, और रूटीन आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि रूटीन में है सारा काम धाम, और यहाँ पे बड़ा ऐसी भीड़ भाड़ ये होली के वजह से हो रही है रोज का यहाँ? ये खाली होली की वजह से भीड़ है बस, वैसे इतनी भीड़ रोज होती है? इतनी भीड़ नहीं होती वैसे। अच्छा, तो आपका कारोबार क्या? अपना अपना होली का काम है, पिचकारी होगा। देखा जैसा दोस्तों, इनका होली का ये गुलाल बेच रहे हैं और ये कलर वाले बेचते हैं। कितने का गुलाल वगैरह? कितने का गुलाल? 5 रुपए का पैकेट पड़ता है। देखा दोस्तों, 5 रुपए का पैकेट है इनके पास गुलाल का। और ये जो मार्केट में आपको इस मार्केट में मैं लाया हूँ, ये मार्केट बहुत ही बड़ी। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, यहाँ का काम धाम कैसा चल रहा है? सही नहीं भाई, काम धल का है, लास्ट टाइम चल रहा है, बेकार काम है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। काम है ना, इस बार होली का सीजन है नहीं, हम सबका काम करने में मजा नहीं आ रहा है, माल सब स्टॉक रखा हुआ है, सेल है नहीं, सिर्फ पब्लिक है, भीड़ है, बस सेल नहीं हम लोगों का। क्या कहना चाहेंगे, इस बार होली की तैयारियां पिछले के हिसाब से कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, और बढ़िया रौनक है बाजार के अंदर, देखो भीड़ देखो। जैसे कि अभी जो हालात हुए थे उस हिसाब से और इस टाइम के बीच में इस बार का कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, दोबारा से इम्प्रूवमेंट हुआ है, और बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आरती आरती जी, इस बार होली की कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बेहद जोरों से।
और महंगाई पे क्या कहोगे? महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। और अभी जैसे पिछले अभी एक हफ्ते पहले सरकार ने 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ाए हैं, आप लोग घर चलाते हैं, आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना? ज्यादा दिक्कत होती है भैया। तो इस बार क्या होली की गुजिया घर पे बना पाओगे या नहीं? बनाएंगे भैया, बच्चों की खातिर तो बनाएंगे। देखा दोस्तों की गुजिया जो बनाई जाएगी, थोड़ी बहुत भैया बनाएंगे, थोड़ी बहुत महंगाई के हिसाब से गुजिया बनाएंगे। क्या कहना चाहोगे इस होली पे? लगेंगे अच्छा है। क्या महंगाई पे क्या कहना चाहोगे? महंगाई तो बहुत है, हद से ज्यादा महंगाई है। जैसे कि अभी सरकार ने 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ाए थे, इस पे क्या कहना चाहोगे? उस पर इतनी महंगाई करती है, पूछो ही मत। तो पिछली बार के मुताबिक इस बार होली कैसी मना पाओगे? पिछली बार से कम बनेगी, पिछली बार से कम बनेगी। क्या क्या लगता है, गुजिया होली की सबको खाने को मिलेगी या नहीं? मुश्किल, किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। ये तो बड़े लोग बना सकते हैं, हम लोग तो नहीं बना सकते। सरकार से क्या कहना चाहोगे महंगाई के उस पे? आप क्या कहें सरकार से, कुछ कह भी नहीं सकते। क्या अपील करना चाहोगे? क्या अपील? चलो कोई नहीं, खाली नहीं मिलेगा, 12 महीने बराबर मिलेगा। तो और यहाँ की कुछ जो सदर की जो कुछ खास चीजें उनके बारे में बताएं। सदर के अंदर हर चीज ही खास है, कोई सी भी आइटम कुछ भी चीज रख सकते हो आप। पूरी ऑल इंडिया की ये मेन मार्केट है, आपको हर आइटम हर वेरायटी कुछ भी चाहिए ऐसे लेके जेड तक आपको हर चीज यहाँ मिलेगी। अगेन जी का कहना है कि इस मार्केट में सब कुछ मिल जाता है आसानी से, और ये बहुत ही पुरानी मार्केट है सदर बाजार। और जैसा कि आपने देखा कि महंगाई की जो मार पड़ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहते कि नहीं त्योहार तो है वो बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। कैमरामैन राजू के साथ मैं पंकज सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।